हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैपी सिल यूट्यूब चैनल यूनिक स्टार। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिड पॉइंट थ्योरम, और मिड पॉइंट थ्योरम का हम लोग आज कन्वर्स भी देखेंगे और इस पर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी देखेंगे। बच्चों, मिड पॉइंट थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको 6.2 में देखने को मिलेंगे, और इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आरएस और आरडी में बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। सो मिड पॉइंट थ्योरम जो पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, जैसे कि अपने क्लास 9th में भी मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ा था। थ्योरम तो वही है, लेकिन इसको प्रूफ करने का जो अंदाज होगा बच्चों, आपका बिल्कुल उससे हटके होगा। सो ये आपकी जो टॉपिक है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आज हम लोग कवर करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम और उसका कन्वर्स और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है, उसके बाद हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए, कह रहा है कि थ्योरम आपकी है कि प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। मतलब जैसे मान लीजिए आपके एक ट्रायंगल ए बी सी, आपका एक ट्रायंगल है, इसमें बोला जा रहा है कि आपका लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल, मतलब इस ट्रायंगल में किसी भी दो साइड के मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो क्या होगा, आपका जो डी होगा आपका पैरेलल होगा किसके, तीसरी साइड बी सी के। मतलब जैसे आपका ए बी हो गया एक साइड, तो ए बी का मिड पॉइंट मान लीजिए क्या है, डी है, और ए सी का मिड पॉइंट क्या है, आपका ई है। क्लियर है? अब इन दोनों के मिड पॉइंट को, ए बी और ए सी के मिड पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे, आपका जो लाइन सेगमेंट बनेगा डी, जो लाइन सेगमेंट डी होगा वह थर्ड साइड आपका बी सी के क्या होगा, पैरेलल होगा। यही आपका थ्योरम का मतलब है, इसी को बोलते हैं मिड पॉइंट थ्योरम। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहले लिखेंगे गिवन, क्या लिखेंगे, गिवन। तो गिवन में क्या है, आपका एक ट्रायंगल एबीसी गिवन है, उसमें से आपका जो डी है मिड पॉइंट है ए बी का, और ई है मिड पॉइंट आपका ए सी का। क्लियर है? ये आपका गिवन हो जाएगा, देख सकते हैं। और ट्रायंगल एबीसी इन विच डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? बस आपका गिवन में हो चुका है। अब आपको लिखना है टू प्रूफ का मतलब आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, देखिए प्रूफ करना है कि जो लाइन सेगमेंट आपका जो डी बन रहा है वो किसके पैरेलल होगा, बी सी के। तो लिखेंगे प्रूफ में, टू प्रूफ में डी पैरेलल टू बी सी। अब हम डायरेक्ट आ जाते हैं प्रूफ में, आपका इसमें कोई कंस्ट्रक्शन है नहीं तो वाला स्टेप लिखेंगे नहीं, अब हम आ जाते हैं प्रूफ में। प्रूफ बहुत सिंपल है, देखिए आपका जो डी है इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, इसी बात को हम लोगों को लिख देना है। देखिए, सिंस डी एंड ई आर द मिड पॉइंट्स ऑफ ए बी एंड ए सी रिस्पेक्टिवली। क्लियर है? जो डी मिड पॉइंट ए बी का है और ई मिड पॉइंट आपका ए सी का है। तो देखिए, हमारे पास क्या होगा, वी है, देन वी है, जब डी मिड पॉइंट ए बी का है तो हम लिख सकते हैं बच्चों ए डी बराबर डी बी। मुझे बताइए लिख सकते हैं कि नहीं, ए डी बराबर डी बी, क्यों, क्योंकि आपका जो डी है बच्चों मिड पॉइंट है ए बी का, इसका मतलब आपका ए से लेकर के डी तक डिस्टेंस इक्वल होगी डी से लेकर के बी तक डिस्टेंस। सो लिख सकते हैं ए डी बराबर क्या, डी बी। अब क्या करिए, अब ए डी अपान के डी बी इजकल टू लिख सकते हैं वन। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सर कैसे वन लिख दिए, देखिए डी बी इंटू कुछ नहीं, यहाँ आप वन होगा मल्टीप्लाई के रूप में कुछ नहीं, तो क्या होगा, वन होगा। अब डी बी को क्या कर दीजिए, आप नीचे कर दीजिए, बस राइट साइड क्या बचेगा, वन बचेगा, या दोनों पक्षों में आप डी बी का डिवाइड कर सकते हैं। जब दोनों पक्षों में डी बी का डिवाइड करेंगे तो ए डी अपान के डी बी हो जाएगा, और राइट साइड हो जाएगा डी बी अपान के डी बी, तो डी बी अपान के डी बी कट के कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं ए डी अपान के डी बी इसको बच्चों कितना, वन। क्लियर है? तो आपका इक्वेशन नंबर इसको क्या बना दीजिए, फर्स्ट। क्लियर है? इसको वन, इक्वेशन नंबर का क्या हो गया, आपका फर्स्ट हो गया। अब देखिए, उसी प्रकार से आपका जो ई है वो मिड पॉइंट किसका है, ए सी का। सो आप लिख सकते हैं बच्चों, आपका ए ई इजिकल टू आप लिख सकते हैं ई सी, कोई दिक्कत, लिख सकते हैं ए ई इजिकल टू क्या लिख सकते हैं, ई सी। क्यों, क्योंकि आपका ई जो है मिड पॉइंट है ए सी का, आप ये बात पहले ही लिख चुके हैं। क्लियर है? लिख सकते हैं ए इजिकल टू ई सी, या आप ई सी को जब नीचे कर देंगे, ई सी इंटू क्या कुछ नहीं तो वन मान सकते हैं, तो ए ई अपान के ई सी इजिकल टू लिख सकते हैं वन। क्लियर है?
अब इसको इक्वेशन क्या बना दीजिए, आप टू बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अदरवाइज आप दोनों पक्षों में हाँ क्या कर सकते हैं, ईसी का जब डिवाइड करेंगे तो ए अपान के ई सी इजकल टू ई सी अपान के सी कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। मतलब आपका आ जाएगा फैली ए अपान के सी इजकल टू वन, इक्वेशन नंबर आपका क्या हो गया, टू हो गया। अब क्या करना है आपको, कुछ नहीं, सिंपली आपके इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड बच्चों आपका सेकेंड। अब देखिए इसका भी राइट पार्ट बराबर है वन है, इसका भी राइट पार्ट बराबर जो कि वन है। जब राइट और राइट बच्चों आपके पार्ट बराबर है तो इसके एलएचएस एलएचएस पार्ट आपके बराबर होंगे, क्योंकि ईच इज इक्वल टू वन, प्रत्येक वन के इक्वल है। तो लिख सकते हैं बच्चों आपका ए डी अपान के, यहाँ लिख सकते हैं आपका डी बी इज इक्वल टू, देख सकते हैं इसका जो लेफ्ट पार्ट आपका क्या है ए ई है, अपान के बच्चों क्या ई सी, ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। रीजन लिखना होगा तो ऐसे भी लिख सकते हैं ईच इज इक्वल टू वन, या ईच इज इक्वल ऐसे भी लिख सकते, ईच इज इक्वल टू वन, प्रत्येक किसके बराबर है आपका वन के बराबर, क्लियर है। जो आपका ए डी अपान की डी बी इज इक्वल टू ए अपान की इससे बराबर होंगे, क्यों, क्योंकि ईच इज इक्वल टू वन, जो प्रत्येक किसके बराबर है आपका वन के बराबर है, इसलिए दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। या लिख सकते हैं सिंपली फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से दिखा सकते हैं कि आपका ये दोनों आपस में क्या होंगे बराबर होंगे। लिख भी दीजिएगा ईच इज इक्वल टू वन, प्रत्येक किसके बराबर है वन के बराबर है, इसलिए आपस में दोनों क्या होंगे बराबर। अब देखिए इस फिगर में ध्यान से देखिएगा, देखिए ए डी अपान के डी बी इजकल टू क्या आ गया आपका ए ई अपान के ई सी आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि आपने बच्चों पढ़ा था कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, वो क्या थी कि किसी भी ट्रायंगल में, किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई लाइन सेगमेंट डी जो है आपकी दो साइड ए बी और ए सी को अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रही है तो आपकी जो लाइन सेगमेंट डी होती है वो किसके पैरेलल होती है बी सी के, ऐसा आपने कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम में पढ़ा था, क्लियर। अगर सेम रेशियो में अगर जो डी लाइन है ए बी और ए सी को सेम रेशियो में अगर डिवाइड कर रही है तो आपका जो डी होगा वो किसके पैरेलल होगा बी सी के पैरेलल होगा, ऐसा बोलता है आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो हम लिख सकते हैं क्लियरली आपका हो जाएगा डी ई पैरेलल टू किसके, पैरेलल टू बी सी। अब आपको रीजन लिखना है क्योंकि सेम अनुपात में डिवाइड हो रहा है तो लिखेंगे डी पैरेलल टू बी सी, रीजन बस लिख देंगे हो जाएगा आपका बाई कन्वर्स, बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स टी एच ए एल ई एस थेल्स थ्योरम टी एच ई ओ आर ई एम बच्चों, बस आपका सिंपली हो गया। देख सकते हैं आपका डी किसके हो जाएगा पैरेलल किसके हो जाएगा बी सी के, रीजन बाई कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, क्योंकि कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यही बोलता है कि अगर कोई ट्रायंगल है ठीक है, अगर उसमें कोई अगर लाइन सेगमेंट आपका डी जो है किसी दो साइड को, किसी भी दो साइड को अगर सेम रेशियो में सेम अनुपात में अगर बच्चों डिवाइड कर रहा है, अगर ये दोनों अनुपात आपस में अगर क्या है बराबर हैं तो इसका मतलब आपका जो डी होगा मस्ट बी पैरेलल टू द थर्ड साइड बी सी, ऐसा हमारा आपका कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम बोलता है, क्लियर है। उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं डी पैरेलल टू बी सी। बस बच्चों आपका ये आपका हो चुका है आपका मिड पॉइंट थ्योरम, एक बार मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूं बच्चों। इसमें क्या दिया था कि मिड पॉइंट थ्योरम में दिया था बच्चों आपका कि कोई ट्रायंगल एबीसी आपका है ठीक है, उसमें कोई दो साइड ए बी और ए सी का मिड पॉइंट डी और ई दिया था, तो आपको प्रूफ करना था कि जो आपका जो लाइन सेगमेंट डी बनेगा क्लियर है वो किसके पैरेलल होगा आपके बी सी के पैरेलल होगा। तो इसके लिए उन्होंने प्रूफ में क्या किया, कुछ नहीं किया, कि आपका जो डी मिड पॉइंट ए बी का है तो आपका हो जाएगा ए डी बराबर डी बी, क्लियर है, ए डी बराबर डी बी, या लिख सकते हैं ए डी अपान के डी बी इक्वल टू वन, इक्वेशन नंबर फर्स्ट तैयार कर लिया। और ई जो है मिड पॉइंट किसका ए सी का है, इसलिए ए बराबर कितना ई सी आपका, या ए अपान के ई सी इक्वल टू कितना हो जाएगा वन, इक्वेशन नंबर टू हो गया। फर्स्ट और सेकेंड से कंपेरिजन करा दिया तो एल एच एस और एल एच एस पार्ट आपस में क्या हो गया बराबर, क्यों, क्योंकि प्रत्येक किसके इक्वल है वन के इक्वल है। तो आप देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में एडी और डीबी का अनुपात बिल्कुल बराबर है, ए और ईसी के अनुपात के बराबर है। तो कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम यही बोलता कि किसी भी ट्रायंगल में बच्चों आपका किसी भी दो साइड का अगर रेशियो क्या है अगर अनुपात जो है आपस में बराबर है तो आपका जो डी लाइन सेगमेंट होगा बीसी के क्या होगा
पैरेलल होगा, आपका कन्वर्स ऑफ थ्योरम थ्योरम बोलता है। अगर आपको कन्वर्स ऑफ थ्योरम थ्योरम अगर नहीं पढ़े हैं, अगर वीडियो को नहीं देखें तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए ट्रायंगल के, सबसे पहले आप लोग उसका कन्वर्स देख लीजिए और बेसिक प्रोपोज़िशनल थ्योरम भी देख लीजिए और इंट्रोडक्शन वाला वीडियो भी देख लीजिए। उसके बाद अगर आप लोग इसको देखते हैं तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा बच्चों। तो हम लोग चलिए इसको तो कर चुके हैं, अब हम लोग देखेंगे कि मिड पॉइंट थ्योरम का हम लोग कन्वर्स भी देख लेंगे और इस पर रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी जितने भी बनते हैं उसको हम लोग देख लेंगे इस वीडियो में। चलिए हम लोग इसका आप कन्वर्स देख लेते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ का जो थ्योरम है आपका मिड पॉइंट थ्योरम का जस्ट कन्वर्स है। पहले इसको मतलब समझते हैं क्या दिया है। देखिए दिया है कि प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, मतलब एक लाइन ड्रा किया जा रहा है, डी एक लाइन ड्रा किया जा रहा है लेकिन एक ट्रायंगल के किसी एक साइड के मिड पॉइंट से ड्रा किया जा रहा है। मतलब ये आप जो लोग क्या कर, जो लाइन डी ही है आप इसको ड्रा कर रहे हो, लेकिन कैसे, किसी भी ट्रायंगल के एक साइड के मिड पॉइंट के, मतलब ए बी के मिड पॉइंट डी से एक लाइन ड्रा किया जा रहा है जो कि क्या है, डी है। अब आगे पढ़िए, पैरेलल टू अनदर साइड, और जो लाइन डी ड्रा कर रहे हो अनदर साइड, मतलब आपका बी सी के क्या है, आपका एक पैरेलल है। उसके बाद बाइसेक्ट द थर्ड साइड, तो जो आप लाइन ड्रा डी कर रहे हो क्या होगा, बाइसेक्ट द थर्ड साइड, मतलब जो तीसरी साइड आपका ए सी है, क्लियर है, तो ए सी को क्या करेगा, जो डी क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट का मतलब इसको दो बराबर भागों में बांटेगा, मतलब आपका ए किसके बराबर होना चाहिए, ए सी के होना चाहिए। हम लोगों को यही प्रूफ करना है। एक बार थ्योरम का मतलब हम लोग बच्चों और समझ लेते हैं। कोई आपका एक ट्रायंगल ए बी सी, उसके बाद आप लोगों को एक लाइन ड्रा करना है, कौन सी लाइन, आपको डी ई लाइन ड्रा करना है। तो जब डी लाइन ड्रा की जा रही है तो ट्रायंगल के, आपका जो ट्रायंगल ए बी सी है उसके ए बी साइड के, ए बी साइड के एक मिड पॉइंट डी से आप क्या कर रहे हैं कि एक लाइन ड्रा कर रहे हैं डी ई, और ये जो लाइन ड्रा किया जा रहा है डी वो आपका बी सी के क्या है, पैरेलल है। तो जब लाइन ड्रा करेंगे डी ई जो है, तो जो आप जो तीसरी साइड आपका ए सी होगा क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। बाइसेक्ट करने का मतलब आपका ए ई जो होगा इसी के बराबर होगा, हमको यही प्रूफ करना है। बाइसेक्ट करने का मतलब दो बराबर भागों में इसको क्या करेगा, बाइसेक्ट कर देगा, विभाजित करेगा। अब देखिए तो लिख देंगे सबसे पहले गिवन, गिवन में क्या बच्चों, और ट्रायंगल ए बी सी, एक हमारा ट्रायंगल ए बी सी दिया हुआ है इन विच, जिसमें कि डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, आपका जो डी है ए बी का क्या है, आपका मिड पॉइंट है। उसके बाद एंड डी पैरेलल टू बी सी, आपको जो डी है बी सी के पैरेलल, जैसा कि थ्योरम आपने पढ़ा था, क्लियर है कि एक मिड पॉइंट से क्या किया जा रहा है, एक लाइन ड्रा किया जा रहा है जो कि अनदर साइड के, मतलब इस डी लाइन किसके होगा, देखिए बी सी के तो पैरेलल होगा, बी सी के पैरेलल है तो क्या करेगा, तीसरी साइड बोले तो ए सी को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, क्लियर है। उसके बाद देखिए डी पैरेलल टू बी सी किया जा रहा है, मीटिंग ए सी एट ई, क्लियर है, जब डी ड्रा कर रहे हैं तो ए सी के पॉइंट ई पर क्या कर रहा है, मीट कर रहा है। उसके बाद आपको प्रूफ करना है ए ई बराबर ई सी, आपका ए बराबर क्या प्रूफ करना है, ई सी, क्लियर है। तो भाई बाइसेक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ए और ई सी आपस में बराबर होंगे तभी ना आपका डी बाइसेक्ट करेगा ए सी को। अब देखिए प्रूफ कुछ नहीं करना बच्चों, सिंपली आप देख सकते हैं कि सिंस डी ई पैरेलल है किसके, बी सी के, तो जरा याद करिए बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को या थ्योरम थ्योरम को, कि होता क्या था कि किसी भी ट्रायंगल ए बी सी में अगर कोई डी लाइन है, अगर बी सी के पैरेलल है, बी सी के पैरेलल है, तो आपका ए डी अपान के डी बी इजकल टू ए अपान के ई सी होता था। कैसे, बाय थेल्स थ्योरम से। हम लोग नहीं कहते थे कि अगर कोई, अगर दो साइड है तो किसी दो साइड के क्या, किसी दो साइड पर अगर कोई पॉइंट डी और ई है तो आपका जो, अगर डी पैरेलल किसके है, आपका बी सी के है, तो आपका क्या होगा, ये जो दो साइडें हैं सेम अनुपात में क्या होती थी, डिवाइड होती थी। तो देख सकते हैं, लिख सकते हैं बच्चों, अगर एक ट्रायंगल है इसमें अगर डी पैरेलल किसके है, बी सी के है, तो हम लिख सकते हैं आपका ए डी अपान के डी बी इजिकल टू, बच्चों लिख सकते हैं ए ई अपान के ई सी, कैसे, बाई थेल्स थ्योरम, लिख सकते हैं कोई डाउट नहीं, बाई थेल्स थ्योरम वी कैन राइट, क्लियर है। तो आपका हो गया
ए डी अपान के डी बी इक्वल टू ए अपान के ए सी बाई थेल्स थ्योरम। क्यों? क्योंकि आपका इस ट्रायंगल में डी पैरेलल बी सी के है, तो आपका बीपीटी यही बोलता है कि आपका ए डी और डी बी का अनुपात बिल्कुल सेम होगा, ए और ई सी के अनुपात के बिल्कुल सेम होगा। अब देखिए, इसको आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी बना सकते हैं, छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब ऊपर बहुत ध्यान से देखिएगा, आपका डी क्या है, मिड पॉइंट किसका है, ए बी का। तो लिखेंगे सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, डी क्या है, ए बी का मिड पॉइंट है, सो आपका ए डी जो होगा वह बराबर होगा किसके, आपका डी बी के। क्लियर है? जो आपका ए डी बराबर होगा बच्चों, वह किसके बराबर होगा, आपका ए डी जो बराबर होगा वो किसके बराबर होगा, डी बी के। क्लियर है? अब देखिए, इसको आप चलिए इसको फर्स्ट बना दीजिए और इसको बना दीजिए आप क्या, सेकेंड। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से देखिए, ए डी है, रहने दीजिए। अब देखिए, इस डी बी की जगह हम रख देंगे क्या, ए डी, क्या रख देंगे, ए डी। क्यों? क्योंकि आपको जो डी बी है बच्चों वो बिल्कुल बिल्कुल किसके बराबर है, आपका ए डी के बराबर, इज इक्वल टू आपका ए अपान के ई सी। हम यहाँ लिख देंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन से आपका क्या था, ए डी जो था वो किसके बराबर था, डी बी के बराबर था। क्लियर है? देखिए, जो आपका ए डी है बिल्कुल किसके बराबर है, डी बी के बराबर है, तो मैंने क्या किया कि इस डी बी की जगह, इस डी बी की जगह मैंने रख दिया क्या, ए डी। क्लियर है? अब देखिए, ए डी अपान के ए डी बिल्कुल कैंसिल हो जाएगा और लेफ्ट साइड कितना बचेगा, वन बचेगा। तो लिख सकते हैं आपका क्या, वन इज इक्वल टू ए ई अपान के क्या बच्चों, आपका ई सी। इसके अपन क्या मान लीजिए, वन मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ए ई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी। तो आपको क्या प्रूफ करना था, एक बार देख लीजिए, ए ई इज इक्वल टू ई सी, ए इज इक्वल टू ई सी मतलब ए इक्वल टू ई सी। क्लियर है? तो जो तीसरी साइड हुई आपका क्या हो गई, दो बराबर भागों में विभाजित होगी, मतलब तीसरी साइड आपका देख सकते हैं बाइसेक्ट हो चुकी है। तो आपको यही प्रूफ करना था। एक बार मैं बच्चों एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर दे रहा हूँ, बातों बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या था कि मिड पॉइंट थ्योरम के कन्वर्स में आप लोग हमेशा याद रखिएगा कि अगर कोई एक ट्रायंगल एबीसी है, कोई अगर एक ट्रायंगल आपका एबीसी है, तो उसमें अगर आपका किसी एक साइड के, किसी एक साइड के मिड पॉइंट डी से अगर कोई लाइन ड्रा की जा रही है, डी लाइन ड्रा की जा रही है, अगर डी लाइन अगर बी सी के अगर पैरेलल है, तो याद रखिएगा कि अब जो डी लाइन है इस ए सी को क्या करेगी, बाइसेक्ट करेगी, मतलब आपका जो ई होगा मिड पॉइंट होगा किसका, ए सी के, मतलब आपका ए बराबर क्या होगा, ए सी 100% होगा। तो इस थ्योरम का जो यूज है आपका क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, इसलिए इस थ्योरम को याद रखना बहुत जरूरी है। तो हम याद रखेंगे हमेशा कि अगर ए बी है, अगर उसके मिड पॉइंट डी से अगर कोई लाइन ड्रा की जा रही है, जो लाइन डी ड्रा की जा रही है वो बी सी के अगर पैरेलल है, तो याद रखिएगा कि आपको जो क्या होगा, ई होगा मिड पॉइंट किसका होगा, ए सी को, मतलब आपका ए बराबर आपका क्या होगा, ई सी होगा। बस यहीं आपका मिड पॉइंट थ्योरम का क्या कन्वर्स है बच्चों। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, प्रूव भी कर सकते हैं। अब देखिए, इस पर रिलेटेड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट और बोर्ड एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस मैं कुछ कराने वाला हूं। तो सबसे पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए हम लोग कुछ अब क्वेश्चंस इस पर देख लेते हैं। चलिए बच्चों, अब हम लोग इसी दो थ्योरम पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का मतलब समझिए, कह रहा कि इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी, क्लियर है? कह रहा कि एडी इज द मीडियन, आपका एडी क्या है, मीडियन है। तो एडी मीडियन का मतलब आपका बीसी का मिड पॉइंट डी को जब अपोजिट वर्टिक्स ए से मिलाया गया है, तो आपका एडी क्या बना है, मीडियन बना है। मतलब डी क्या होगा, बीसी का मिड पॉइंट होगा। एडी के मीडियन होने का मतलब डी किसका मिड पॉइंट होगा, बीसी का मिड पॉइंट होगा। उसके बाद आगे, ई इज द मिड पॉइंट ऑफ एडी, जो ई पॉइंट यहां देख रहे हैं, आपका ई जो पॉइंट है मीडियन एडी का मिड पॉइंट, ये आपका दे रखा है क्वेश्चन में। उसके बाद क्या बोल रहे हैं, इफ बी इज प्रोड्यूस्ड, अगर आप लोग बी ई को देखिए, आपका ये पॉइंट आपका बी है, देख सकते हैं ये आपका बी है, तो जब बी ई को प्रोड्यूस करेंगे तो क्या होगा, ए सी के पॉइंट एफ क्या करता है, मीट करता है। देखिए
जब बी को क्या किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है, इट मीट्स ए सी इन एफ, तो अब क्या यह ए सी के एफ पर मीट करता है, सो दैट ए एफ बराबर 1/3 ए सी। तो आपको प्रूफ करना है कि जो ए से लेके एफ तक जो डिस्टेंस होगी आपका टोटल ए सी का 1/3 होगी, 1/3 क्या होगी ए सी होगी, आपको ही प्रूफ करना है। चलिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। गिवन में क्या है कि अर ट्रायंगल ए बी सी, आपका एक ट्रायंगल ए बी सी है इन विच जिसमें से आपका जो ए डी है आपका क्या है एक मीडियन है एंड ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए डी, और ई क्या है ए डी का मिड पॉइंट। इतना मैटर आपका क्वेश्चन में गिवेन था, जो भी गिवेन था हमने उसको लिख दिया। उसके बाद आपको एक चीज और गिवेन था आपका, ऑल्सो बी इज प्रोड्यूस टू मीट ए सी एट एफ, और आपका एक मैटर और गिवेन था जब बी को प्रोड्यूस किया जा रहा था तो ए सी के एफ पर मीट कर रहा था, यह भी आपका पॉइंट दिया हुआ था, इसलिए हम लोग इसको भी लिख लेंगे। देखिए ऑल्सो बी इज प्रोड्यूस टू मीट ए सी एट एफ, इसको भी लिख लेंगे, ये भी दिया हुआ था। अब उसके बाद अब हम आ जाएंगे टू प्रूफ में। तो टू प्रूफ में क्या आपको प्रूफ करना क्या है, आपको प्रूफ करना है कि जो आपका ए एफ होगा वह क्या होगा 1/3 क्या होगा ए सी होगा, आपको यहीं प्रूफ करना, जो प्रूफ करना है आपको यहाँ लिख देना है। उसके बाद अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन पर। देखिए बच्चों कुछ क्वेश्चंस करने के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन का करना बड़ा जरूरी होता है, और आप लोग कंस्ट्रक्शन क्या कैसे करेंगे क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक आइडिया मिल जाएगी। जरा सोचिए आपको ए एफ को आपको प्रूफ करना है 1/3 ए सी के इक्वल प्रूफ करना है तो क्या करना पड़ेगा। देखिए अगर आपकी इसमें दो ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे होंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, आपको एक ट्रायंगल देखिए बी सी एफ दिखाई दे रहा होगा, तो बी सी एफ में बच्चों आपका क्या है डी मिड पॉइंट किसका होगा, आपका बी सी को होगा, डी मिड पॉइंट किसका होगा आपका बी सी को होगा। तो आपको करना क्या होगा कि आप लोगों को एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी, एक लाइन ड्रा करनी पड़ेगी जो कि डी जी, क्या डी जी, और ये लाइन किसके पैरल आपके इस बी एफ के पैरल आपको लाइन ड्रा करनी पड़ेगी। इससे होगा क्या कि आप इसमें मिड पॉइंट थ्योरम लगा सकते हैं और आपका जो क्वेश्चन है आसानी तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो सबसे पहले आपको कंस्ट्रक्शन करना है क्या कि फ्रॉम डी से, कहाँ से डी से आपको डी जी पैरल टू ई एफ, आपको देखिए डी जी आपको लाइन ड्रा करना है ई एफ के पैरल या तो बी सी के पैरल, क्लियर है। आप दोनों बोलेंगे डी जी पैरल टू बी एफ या ई एफ, क्लियर है। जो आपका ई एफ लाइन है वही आपका क्या है बी एफ ही लाइन है, तो जो डी जी इन दोनों के क्या होगा आपको मतलब बी एफ या ई एफ या बी एफ सबके क्या होगा पैरल होगा। उसके बाद तो आपको कंस्ट्रक्शन में लिखना पड़ेगा फ्रॉम डी ड्रा डी जी पैरल टू ई एफ मीटिंग ए सी एट जी, क्लियर है। तो जब पैरल ड्रा किया जा रहा था ए सी को एफ पर आपका मीट कर रहा है। उसके बाद देखिए लिखेंगे आपका डायरेक्ट किस में लिखेंगे प्रूफ में, तो प्रूफ में क्या बहुत सिंपल है, प्रूफ में देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल बी सी एफ, इन ट्रायंगल बी सी एफ, देखिए बी सी एफ में, बी सी एफ में आप देख सकते हैं जो डी है बच्चों आपका जो डी है वह मिड पॉइंट किसका है आपका बी सी का है, देख सकते हैं आपका बी सी एफ में देख सकते हैं आपका डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, आपका डी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, क्योंकि आपका ए डी मीडियन था तो मीडियन होने का मतलब आपका जो डी बी सी का क्या होगा मिड पॉइंट होगा। उसके बाद डी जी पैरल टू बी एफ, आपका जो डी जी है वह बी एफ के पैरल है, क्योंकि देखिए आपने ड्रा किया था डी जी पैरल टू ई एफ तो आपका बी एफ भी क्या होगा पैरल होगा डी जी के, क्योंकि बी ई को ही आगे बढ़ाया गया है, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। तो देख सकते हैं बी सी एफ ट्रायंगल में आपका डी हो गया बी सी का मिड पॉइंट और आपका जो डी जी हो गया बी सी बी एफ के क्या हो गया पैरल हो गया। तो अभी आपने देखा था कन्वर्स आप मिड पॉइंट थ्योरम, उसमें क्या था कि अगर कोई अगर डी है बी सी का मिड पॉइंट है और डी से जो लाइन ड्रा किया जा रहा है डी जी अगर बी एफ के पैरेलल है तो क्या करेगा जो डी जी क्या करेगा तीसरी वाली साइड को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, बाइसेक्ट करने का मतलब आपका जो जी होगा वो एफ सी का मिड पॉइंट होगा, क्लियर है। तो आप देख सकते हैं इसलिए जी इज द मिड पॉइंट ऑफ सी एफ, तो आपका जो जी होगा बच्चों वो क्या होगा इस सी एफ का मिड पॉइंट होगा, बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग लिख सकते हैं, देख सकते हैं वो तो ध्यान से देखना है। बी सी एफ ट्रायंगल में आपका डी क्या हो गया बी सी का मिड पॉइंट हो गया, उसके बाद आपका डी जी
पैरल किसके हो गया, बीएफ के हो गया। इसका मतलब जो तीसरी साइड आपका जो सीएफ होगा, क्लियर है, उसमें जो जी होगा, जी क्या होगा, मिड पॉइंट आपका किसका होगा, सीएफ का हो जाएगा। तो जब मिड पॉइंट हो जाएगा इसका मतलब एफ जी बराबर जी सी लिख सकते हैं। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना सकते हैं, फर्स्ट बना सकते हैं। देखिए आपका जी जब मिड पॉइंट आपका सीएफ का हो गया तो एफ जी बराबर क्या हो गया, सी जी हम लिख सकते हैं, क्लियर। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बनाइए। अब देखिए आप लोग एक थोड़ा सा ध्यान से देखिए, एक ट्रायंगल और बन रहा है, कौन सा, देखिए ए डी जी, वो ध्यान से देखिएगा, ए डी जी में आप देखिए ई जो है मिड पॉइंट ए डी का आपको ऑलरेडी दे रखा है। उसके बाद आपने क्या किया कि डी जी पैरेलल टू ई एफ आपने ड्रा ही किया है, कि डी जी पैरेलल टू ई एफ आपने ड्रा किया है। इसका मतलब आपका जो एफ होगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, ए जी का। जो एफ होगा वो आपका मिड पॉइंट हो जाएगा आपका ए जी का। तो देख सकते हो लिखा गया मैटर आपका, ए डी जी ट्रायंगल में जो ई है ऑलरेडी ए डी का मिड पॉइंट दिया है। उसके बाद आपका जो ई एफ है, जो आपका ई एफ है वो डी जी के पैरल है ही, तो आप देख सकते हैं कि एफ अभी क्या होगा, मिड पॉइंट होगा किसका, ए जी का। तो लिख सकते हैं एफ इज द मिड पॉइंट ऑफ ए जी। जब एफ आपका ए जी का मिड पॉइंट होगा तो हम लोग लिख सकते हैं ए एफ बराबर बच्चों क्या, एफ जी। इसको इक्वेशन नंबर क्या बना दीजिए, टू। अब देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड से बहुत ध्यान से देखिएगा, लिख सकते हैं ए एफ बराबर एफ जी। देखिए ए एफ बराबर एफ जी, और एफ जी किसके इक्वल है, जी सी के, तो बराबर कितना के, जी सी के। लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड से, फर्स्ट एंड सेकेंड से हम लिख सकते हैं, देख सकते हैं ए एफ बराबर एफ जी, और एफ जी किसके बराबर है आपका, जी सी के बराबर है। इसका मतलब देखिए ए एफ और एफ जी और जी सी आपस में क्या हो चुके हैं, इक्वल हो चुके हैं, और आपको प्रूफ करना है ए एफ बराबर। तो बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए मैं इधर लिख दे रहा हूँ, देखिए आप ए सी को क्या लिख सकते हैं, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस ए सी को हम लिख सकते हैं आपका ए एफ प्लस एफ जी प्लस जी सी, लिख सकते हैं कि नहीं बताइए, जो टोटल ए से लेकर एस सी तक है इसको लिख सकते हैं ए एफ प्लस एफ जी प्लस कितना, जी सी। अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ए एफ रहने दीजिए, और इस एफ जी की जगह देखिएगा, इस एफ जी की जगह बी हम लिख सकते हैं ए एफ, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद देखिए प्लस इस जी सी की जगह बी हम लिख सकते हैं ए एफ, तो लिख दीजिए ए एफ। तो देख सकते हैं आपका ए एफ ए एफ ए एफ कितना हो जाएगा, हो जाएगा 3AF इसका टू कितना कि AC के, या 3AF पहले लिख दीजिए और AC को बाद में लिख दीजिए, या AF इजकल टू हो जाएगा बच्चों 1/3 आपका AC, जो कि आपको यहीं क्या करना था, प्रूफ करना था, क्लियर है, AF इजकल टू आपको प्रूफ करना था 1/3 AC के। तो आपका ये फाइनली प्रूफ हो चुका है। तो बच्चों मैं एक बार थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ, कुछ करना नहीं था, आपका क्वेश्चन था आपका एक ट्रायंगल एबीसी था, उसमें आपका एडी क्या था, मीडियन था, उसके बाद आपका ई क्या था, मिड पॉइंट किसका था, एडी का था, उसके बाद बीई को आगे बढ़ाया गया है एफ तक, जो कि एसी के मिड पॉइंट एफ पर आपका मीट कर रहा था। तो आपको प्रूफ करना था कि जो आपका एएफ होगा 1/3 आपका एसी। तो आपको करना क्या है कि दो ट्रायंगल में लेना है, सबसे पहले आपको एक कंस्ट्रक्शन करना बड़ा जरूरी है, क्या करेंगे, डी से एक कंस्ट्रक्शन करेंगे कि डी जी पैरेलल टू क्या, बीएफ, क्लियर है, डी जी पैरेलल टू बीएफ या ईएफ, क्लियर है, दोनों एक ही लाइन है। तो उसके बाद जब पैरेलल ड्रा कर देंगे तो अब देखिए ले लेंगे ट्रायंगल बीसी एफ में, बी सी एफ में बहुत ध्यान से देखिएगा, डी आपका मिड पॉइंट हो जाएगा बी सी का, और डी जी जो है बी एफ के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, तो आपका जी क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा किसका, एफ सी का, क्लियर है, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम से। आपने ये पढ़ा था कि एक मिड पॉइंट हो गया, मिड पॉइंट से आपने एक पैरेलल लाइन ड्रा किया था जो कि इसके पैरेलल था, तो अब क्या करेगा, जो डी जी होगा वो एफ सी को बाइसेक्ट करेगा, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर, क्लियर है। तो क्वेश्चन नंबर एक फर्स्ट बना लेंगे, उसके बाद ले लेंगे ए डी जी ट्रायंगल में, देख सकते हैं ई क्या हो गया, मिड पॉइंट आपका एडी को हो गया, उसके बाद डी जी पैरेलल टू ई एफ हो गया, इसका मतलब आपका जो एफ होगा, क्लियर है, मिड पॉइंट हो जाएगा एजी का। इक्वेशन नंबर बच्चों आपका टू बन जाएगा, मतलब आपका ए एफ बराबर क्या हो जाएगा, एफ जी, क्लियर है, इक्वेशन नंबर टू। और फर्स्ट और सेकंड से कंपेरिजन करा देंगे तो ए एफ बराबर एफ जी बराबर क्या आ जाएगा, जी सी आ जाएगा। उसके बाद ए सी को लिख देंगे इतना प्लस इतना प्लस इतना, देख सकते हैं, और एफ जी और जी सी की जगह भी लिख देंगे ए एफ प्लस एफ, इसको हल कर देंगे बच्चों, आपका फाइनली ए एफ इजकल टू 1/3 कितना आ जाएगा, ए सी आ जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो आप लोग इसको नोट कर सकते हैं, एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिए बच्चों, और आपका ये क्वेश्चंस बहुत इजी है, आपका तैयार हो जाएगा, कभी भूलेगा नहीं।
बच्चों आज के लिए बस इतना ही। हम लोग हम नेक्स्ट वीडियो में एंगल बायसेक्टर थ्योरम और उसका कन्वर्स और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे। उसके बाद आपका एक्सरसाइज 6.2 का टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, अगर आप लोगों को पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया हो तो बच्चों लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, अपने दोस्तों के बीच शेयर आप लोग जरूर करें। अगर आप लोग चैनल बनाए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे साथ जुड़ जाइए। और आप लोगों को अगर कोई अगर फिर भी डाउट होती है तो मैं बता रहा हूँ, बार बार बोलता हूँ कि आप लोग मेरे पर्सनल व्हाट्सअप नंबर 9695079520 पर आप लोग कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो बेहिचक आप कॉल करिए और आप लोग प्रॉब्लम पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू आप पूछ सकते हैं और आप लोग व्हाट्सएप से जुड़ सकते हैं। बस बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।